अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं YouTube की जानिब से एक बिग अपडेट आई है यूट्यूबर के लिए, यानी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो किस सूरत के अंदर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और किन कंट्री के लिए कितना टैक्स है, ये आप इनकी प्लेस के अंदर जाकर रीड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज है कि आपको यहाँ पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वो शर्त यह है कि अगर आप इसका फॉर्म फिल कर लेते हैं तब आपको टैक्स कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म फिल नहीं करते तो आपको यहाँ पर उन्होंने एक डेट दी गई है, मे भी यहाँ पर है मई की कोई 20 से अबाव कोई डेट वो दी गई। अगर आप मई से पहले पहले यह फॉर्म यहाँ पर फिल नहीं करते तो आपको बाय डिफॉल्ट सेटिंग का सामना करना पड़ सकता है। यानी बाय डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब ये है कि आपको 24% यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप फॉर्म फिल नहीं करते। अगर आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर लेते हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए आपको टैक्स की कोई परेशानी यानी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप फॉर्म फिल करें और टैक्स से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि अगर आपके जो व्यू है आपकी वीडियो पर यूनाइटेड स्टेट से आते हैं तो तब आपको यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के जितने व्यू आते हैं आपको उनका 24% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपको पाकिस्तान से व्यू आते हैं या किसी और कंट्री से आते हैं, आपको यूनाइटेड स्टेट से कोई व्यू नहीं आता, तो तब आपको कोई टेंशन नहीं, आपको कोई यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। आपके यूनाइटेड स्टेट के व्यू के हिसाब से आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा उनको टैक्स। अगर आप यूनाइटेड स्टेट हैं तो आपको यहाँ पर अपना टैक्स पे है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कैसे यहाँ पर फिलअप करते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने एडसेंस के अंदर जा चुका हूँ, वहाँ पर लॉगिन भी हो चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे इसको फिल करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ अभी तक कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने ऐड पर यहाँ पर आपको मैसेज होगा मैनेज टैक्स इन्फो, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो पर क्लिक करना पड़ेगा। तब आपसे यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाल दिया और अब हमको यहाँ पर ऐसा यहाँ पर शो हो रहा है यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो। तो आप इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, अगर आप यहाँ पर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप नॉन इंडिविजुअल आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक नया एक मैसेज हो चुका है कि आर यू, कि आप यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ नो पर क्लिक करने के बाद, और यहाँ पर दो टाइप के यहाँ पर टैक्स आपको यहाँ पर टैक्स की जो फॉर्म है टाइप आपको बताई गई है। तो आप क्या करें, अगर आप बिजनेस के लिए यहाँ यूनाइटेड स्टेट का यूज़ कर रहे हैं तो आपने नीचे वाला टैक्स पर क्लिक करना है, यानी इस पर आपने चेक मार्क करना है। अगर आप सिंगल हैं, आपका जो टैक्स है आप बिजनेस के लिए यहाँ पर चैनल को रन नहीं कर रहे, तो आप इस फॉर्मली इस पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट BNS फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक न्यू फॉर्म ओपन होगा, इसको कैसे फिलअप करते हैं ये आपको मैं यहाँ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें कोई ना कोई नई अपडेट के लिए। तो चलिए यहाँ पर इंटरनेट पर थोड़ा सा यहाँ पर वर्किंग यहाँ पर हो गई है। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक आपको यहाँ पर फॉरेन कंट्री से अगर आप बाहर हैं, और यहाँ पर दूसरा है आपको दो यहाँ पर ऑप्शनल टैक्स है अगर आप यहाँ पर इनकी एंट्री करना चाह रहे हैं, आपको इसके कोड के बारे में पता, ठीक है नहीं ये आपके लिए ऑप्शनल है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने यहाँ पर कंट्री यानी किस कंट्री के आप सिटीजन है, मैं पाकिस्तान से हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर आपने अपना जो रियल एड्रेस है वो आपने यहाँ पर सबमिट करना है यानी एंटर करना है, वो तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना जो नेम है वो फिलअप करूंगा, तो आपने जो रियल आपका एड्रेस है वो आपने यहां पर एंटर करना है। तो एंटर करने के बाद यहां पर इसको तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस यहाँ पर कर लिया है क्लिक का, यानी फिलअप कर लिया है। और यहाँ पर मैं सेम इसको करूँगा क्योंकि मैं सेम ही जो ऊपर अबाव जो मैंने टैक्स दिया वो ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि टैक्स क्रिएटिंग वो, तो मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पर नो कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, नो करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ थोड़ा वेट करना है, जैसे न्यू फॉर्म यहाँ पर ओपन होगा
तब आपको बताएंगे कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और इस वीडियो को दौरान अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया जाए, साथ ही के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर आपने इसका जो टेक्स्ट फॉर्म है वह यहाँ पर आप रीड अप कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मैं क्या करता हूँ, मैंने रीड अप ऑलरेडी कर लिया तो मैं इस पर आई कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट के बारे में जो भी आपका है वो ठीक है, आप यहाँ पर अपना जो लीगल नेम है वो एंटर कीजिएगा, जो भी आपका रियल नेम है, जो आपका आईडी कार्ड का नेम है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं अपना जो नेम है वो एंटर कर देता हूँ। तो आपने अपना नेम एंटर करने के बाद आपने आई एम ए सेल्फ लिस्ट सिग्नेचर, तो इसको बिहाफ ये क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा अपना ही चैनल है इसलिए इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो एक्टिविटी या सर्विस परफॉर्म इन यूएसए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आप इसको रीड करने के बाद क्या कर सकते हैं, मैं इसको नो कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर केयरफुली मैंने इसको रीड कर लिया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर चेक मार्क करने के बाद मैं क्या करता हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग अ टैक्स इन्फो अ न्यू टैक्सिंग नो आई एम प्रोवाइडिंग अ टैक्स इन्फो ऑब्जेक्टिंग पेमेंट प्रोफाइल, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। अगर आपने न्यू प्रोफाइल यहाँ पर इंटर करनी है तो न्यू फॉर अ न्यू या ऑब्जेक्टिंग तो दैट हैज नॉट रिसीव अ पेमेंट, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अगर आई एम प्रोवाइडिंग अ टैक्स इन्फो फॉर ऑब्जेक्टिंग पेमेंट तो यहाँ पर आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद अंडरस्टैंडिंग इस पर यहाँ पर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपने अपनी पेमेंट एड्रेस चेंज करना है तो डेट वगैरह वो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो इस पर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। और जैसे सबमिट होगा तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई ईमेल मिलेगी, तो यहाँ पर मैं इसको सबमिट करता हूँ और हम इसका जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो चेक करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे वो नेक्स्ट स्टेप हमको बताएंगे इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी है तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही यहाँ पर ओपन होगा तो आपके साथ यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इसके बारे में हम डिस्कस आपके साथ करने जा रहे हैं। सम टाइम ये वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इंटरनेट कई दफ़ा यहाँ पर इंटरनेट स्लो होने की वजह से आपको इसका जो प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा यहाँ पर आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपका इंटरनेट स्पीड ठीक है तो आपको यहाँ पर इसका जो भी है प्रोसेसिंग वो आप फास्टली यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपसे ये माजत मैं करता हूँ क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट स्लो होने की वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पर आपसे माजत खवाऊँ कि आपको यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट करना पड़ा क्योंकि आपको ये यहाँ पर इसका फॉर्म फिल अप करने का तरीकाकार बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको इसका फॉर्म का तरीकाकार पता चल जाए। और जैसे इसको मैंने सबमिट किया यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने सामने यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर इसका स्टेटस है वो अप्रूव हो चुका है, यानी जैसे इसको मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर सबमिट किया तो फर्स्ट टाइम ये अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट अ न्यू फॉर्म, अगर आपने न्यू फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है तब भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना तो तब भी ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।